हमारा तो फर्ज था कि पब्लिक की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना। पिछले 8 महीने से हम यही कर रहे थे। अब जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं, छुट्टी का ऐलान करना या नहीं करना, ये हमारे हाथ में तो है नहीं, ये तो हाई कमांड और कैबिनेट के हाथ में है। तो ये चीज़ें उनको सोचनी चाहिए थी कि इतना मतलब यहाँ पे जज्बात लोगों के क्या हैं, लोगों की भावनाएं क्या हैं, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है, ये बड़ी अफसोस की बात है। आज महाराजा लेट महाराजा हरि सिंह जी की 123वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ उनके स्टैचू के नीचे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर के तले सब जम्मूवासी जो हैं, सब डुगरवासी जो हैं, वो यहाँ एकत्रित हुए हैं। महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी इस सरकार से लेके रहेंगे, वो हमें कोई रोक नहीं सकता। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम जम्मू के अंदर एक संघर्ष करने के लिए भी तैयार हैं। आज जो सरकार ने छुट्टी घोषित नहीं की, मैं तो ये जम्मू के लोगों की खुशकिस्मती समझता हूँ, क्योंकि सरकार ने जम्मू के लोगों को इकट्ठा होने का एक मौका दे दिया है। अभी हमारे पास समय आ गया है, जम्मू के लोग इस मुद्दे पर इकट्ठे हो जाएंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, और उसके लिए जम्मू के लोग तैयार हो चुके हैं। क्योंकि ये पता है सबको कि जब जब जम्मू के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी बात मनवाई है, चाहे वो सरकार को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, लोगों ने वो अपनी बात मनवाई है, और ये बात भी आने वाले दिनों में हम मनवा कर रहेंगे। आज का दिन जो है ये महाराजा जी का जन्मदिन है, और बार एसोसिएशन ने लोगों की एस्पिरेशन को सामने रखते हुए गवर्नमेंट जो फेल हो गई छुट्टी डिक्लेयर करने में, हमने अपनी तरफ से छुट्टी डिक्लेयर की और इस दिन को हम धूमधाम से मना रहे हैं। आपने देखा ही होगा ढोल नगारा चल रहा है, पूरी कड़ा बना है, तो सभी लोग हम इकट्ठे होके इस दिन को मना रहे हैं, और इस दिन को आने वाले वक्त में मनाया जाएगा। जिस तरह हमने 2007 में यहाँ झंडा चढ़ाने की रिवायत शुरू की, इसी तरह इस बार ये रिवायत शुरू हुई है, और ये रिवायत जो है ये आने वाले वक्त में कायम रहेगी। जबकि कश्मीर के डेवलपमेंट के साथ साथ डोगरी भी तो डेवलपमेंट होने चाहिए। ये
सिंह जी जय जय महाराजा हरि सिंह जी जय जय महाराजा हरि सिंह जी। जिनकी भावना जो है संपूर्ण पूर्ण राम से रूप से महाराज के साथ जुड़ी हुई है और वो चाहते हैं कि आज के दिन छुट्टी हो, लेकिन मैं ये चताना चाहता हूँ कि आइंदा के लिए हमें इसके बारे विषय में बुद्धिजीवियों के साथ बात करनी होगी, बैठना होगा, माथन करना होगा, अपने भाव को जगाना होगा और एक प्रण लेना होगा कि हमें महाराज के लिए क्या करना है। किस्म के वो षड्यंत्र चल रहे हैं, लेकिन हमारी डोगरी के लिए आज तक कोई नहीं बोला है। हमारे लीडरान जो जहाँ से हमने 25 जिनके लिए हमने दिन रात के प्रयास किए हैं, मेहनत की है, आज पहली बार है। अभी आज अगर महाराज के नाम पर छुट्टी नहीं हुई, अगर तो मैं कहता हूँ कब होगी, जबकि हमारी अपनी सेंटर में गवर्नमेंट है, इधर कोलिशन गवर्नमेंट में भी हम भागीदार हैं, लेकिन धिक्कार हैं लोगों को। जी मैं कहता हूँ, एक भी कल निर्मल सिंह जी कह रहे हैं कल कि मैंने चिट्ठी लिखी है, डोंट चीट द पीपल, मतलब हमने जमाना देखा हुआ है, हमने भी भेजनी है कि आप लोगों को ये बातें बताते रहोगे कि मैं कल चिट्ठी लिखी। कल क्या चिट्ठी लिखी है, जो कल चिट्ठी होगी उसका जवाब कितना घंटों में नहीं आता आपके पास। यू हैड द मोर टाइम, मोर एंड मोर टाइम टू टैकल विद द सिचुएशन, बट यू डिडेंट डू इट, आपने नहीं किया है, आप हमें धोखा दे रहे हैं, लेकिन मैं बहता ये धोखा आपको महंगा पड़ेगा। ये मेरी बात आज समझ लेना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चेताना चाहता हूँ, नोट कर लेना आज के दिन। हम रामबन वासियों की तरफ से और टीम जम्मू की तरफ से यहाँ पर सभी लोगों को बीच में हलवा बांटा जा रहा है। महाराजा हरि सिंह जी जो कि डोगरा प्रदेश के राजा थे, ना कि सिर्फ एक कम्युनिटी के बल्कि सभी कम्युनिटी के राजा थे और अलग अलग वर्गों को उन्होंने हमेशा प्रोत्साहन दिया है और उनके बढ़ावे के लिए काम किया है। मैं अपनी और अपनी टीम की तरफ से सभी लोगों को शुभकामनाएँ देता हूँ और ये आग्रह करता हूँ कि सभी प्रसाद ग्रहण करके जाएं।